Assalamu alaikum, I am Mohammed Ismail Ahmad. Welcome back to my channel, Ismail's Institute. So, today we will see what is this lecture, basically chemical engineering. Chemical engineering is basically chemical engineering is a process engineering. Chemical engineering is divided into two sections. One is unit operation and one is unit process and one is unit operation. Unit process basically क्या है? Unit process chemical change. किसी भी process के अंदर अगर वो chemical से deal कर रहा है, तो आप उसको unit process के अंदर लेंगे. और कोई भी process जो कि unit operation को deal कर रहा है, तो आप उसको physical change के respective से देखेंगे. तो ये दो portion में divide किया जाता है chemical engineering को. One is unit process and another is unit operation. अब यूनिट प्रोसेस के अंदर जो केमिकल चेंज है वो आप पढ़ते हैं सीआरई के अंदर, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग के अंदर. और यूनिट ऑपरेशंस जो कि आपके फिजिकल चेंज जहां पे हो रहे होंगे वो आप पढ़ेंगे मास ट्रांसफर में, जैसे एमटी, एचटी, हीट ट्रांसफर. ये बेसिकली ये ऑपरेशंस कहलाते हैं, मास ट्रांसफर ऑपरेशन, हीट ट्रांसफर ऑपरेशन, मैकेनिकल ऑपरेशन और लास्ट में है फ्लूइड फ्लो ऑपरेशन. ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स जिसे आप पढ़ते हैं. तो ये जो है वो दो ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है केमिकल इंजीनियरिंग को. फर्स्ट में आप क्या पढ़ते हैं, सीआरई, जो कि केमिकल से डील करता है, केमिकल प्रोसेस से डील करता है. इसके अंदर हम बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शंस को डील करते हैं कि कितना ज्यादा आपका रिएक्शन रेट है और कितनी ज्यादा आपको प्रोडक्ट मिलेगी और किस रेट से टाइम पे कितने टाइम बाद आपका रिएक्टेंट कम होता जाएगा और प्रोडक्ट की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी. तो इसके अंदर सीआरई के अंदर हम ये पढ़ रहे होते हैं. मास ट्रांसफर ऑपरेशन के अंदर बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं, मास ट्रांसफर यूज होता है, ऑलवेज मास ट्रांसफर हैपेंस इन ओपन सिस्टम. ओपन सिस्टम में हमेशा मास ट्रांसफर होगा. ठीक है, ओपन सिस्टम क्या होगा, ओपन सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके अंदर हीट इन आउट भी हो सकती है और आपका मास भी बाहर और अंदर आ सकता है या जा सकता है. नेक्स्ट, हीट ट्रांसफर ऑपरेशन. हीट ट्रांसफर ऑपरेशन बेसिकली क्या है, हीट ट्रांसफर ऑपरेशन के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि आपका मेटल टू मेटल, यह आपका इसके तीन मोड्स होते हैं बेसिकली. पहला जो है वो कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन, तीसरा रेडिएशन. कंडक्शन क्या होता है बेसिकली, कंडक्शन दो मेटल की सरफेस के दरमियान जो हीट ट्रांसफर होता है वो उसे हम कंडक्शन कहते हैं. सॉलिड टू सॉलिड हीट ट्रांसफर को कंडक्शन कहेंगे, सॉलिड टू फ्लूइड हीट ट्रांसफर को कन्वेक्शन कहेंगे. अब फ्लूइड दो तरह के होते हैं, एक गैसियस फॉर्म में होगा और एक लिक्विड फॉर्म में. हम दोनों को फ्लूइड मानते हैं. क्यों? क्योंकि फ्लूइड की डेफिनेशन ये है, एनीथिंग विच कैन मूव, कोई भी चीज जो के मूव कर सके, इट इज नोन एज फ्लूइड, उसे हम फ्लूइड कहते हैं. ठीक है, तो ये दो चीजें होती है, गैस एंड लिक्विड, जो के इनकी टेंडेंसी होती है कि ये फ्लो करते हैं. तो हम इसे क्या कहते हैं, फ्लो. तो हीट ट्रांसफर के अंदर हम, हीट ट्रांसफर दोनों केस में होती है, क्लोज सिस्टम में भी होगी और ओपन सिस्टम में भी. दोनों सिस्टम में हीट ट्रांसफर होती है, क्लोज सिस्टम में भी होती है और ओपन सिस्टम में भी होती है. लेकिन जो मास ट्रांसफर है वो हमेशा ओपन सिस्टम में होगा. ठीक है, अब जिस तरह फॉर एग्जांपल आप पानी बॉइल करते हैं, जैसे ही पानी बॉइल करते हैं तो उसकी अगर आप जो है वो ऊपर उसको ढके नहीं तो उसका क्या होता है, वेपर्स जो है वो बाहर निकलते हैं, तो वो एटमॉस्फेयर में जाते हैं, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाते हैं. अगर आप उसको ढक देंगे तो क्या होगा, वेपर्स बाहर नहीं जाएंगे लेकिन हीट जो है वो आपको बाहर महसूस होगी. तो उसको अगर आप ढक दें वो क्या हो जाएगा, आपका क्लोज सिस्टम. क्लोज सिस्टम की डेफिनेशन ही यही है कि उसके अंदर हीट ट्रांसफर हो सकती है लेकिन मास इन और आउट नहीं हो सकता. तो हम मास ट्रांसफर में ओपन सिस्टम को लेते हैं हमेशा और हीट ट्रांसफर में क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, बोथ, दोनों की बात करते हैं. नेक्स्ट आ जाए मैकेनिकल ऑपरेशंस. मैकेनिकल ऑपरेशन में बेसिकली हम डील करते हैं आपकी मशीनरीज की डिजाइनिंग जो होती है, मैकेनिक्स देखते हैं हम, जिस तरह एक मैकेनिकल इंजीनियर मशीनरीज को स्टडी करता है तो हमें भी जो है वो मैकेनिकल ऑपरेशंस के अंदर मशीनरीज का बताया जाता है. नेक्स्ट आ जाए फ्लूइड फ्लो ऑपरेशन. फ्लूइड फ्लो ऑपरेशन बेसिकली क्या है, फ्लूइड फ्लो ऑपरेशन के अंदर हम देखते हैं कि एक सॉलिड, लिक्विड या गैस, जो मैटर की स्टेट्स हैं, इनकी कितनी टेंडेंसी है फ्लो करने की. अगर
फ्लूइड फ्लो रिएक्शन में आप अगर जाएं और उसके अंदर आप देखें कि एक सॉलिड है, सॉलिड खुद ही मूव नहीं कर सकता, उसको हमने किसी फ्लूइड के थ्रू जो है वो सॉलिड को हमें मूव कराना पड़ता है और जिसे हम फ्लूइडाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जो है वो एक मिट्टी अपने हाथ में रखता हूँ, मिट्टी जो है वो सॉलिड फॉर्म के पार्टिकल्स होते हैं, वो मूव नहीं करेंगे, लेकिन अगर मैं उसको अपने जो है वो उसको हवा मारूंगा, उसको फूंक मारूंगा, तो क्या होगा, वो सॉलिड जो आपका फ्लूइड है, गैस क्या है, फ्लूइड है, वो फ्लूइड जो है वो सॉलिड पार्टिकल्स को आगे की तरफ लेके जाएगी और इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, फ्लूइडाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट आप देखें कि मैकेनिकल ऑपरेशन के बाद फ्लूइड फ्लो ऑपरेशन है। फ्लूइड फ्लो ऑपरेशन में बेसिकली हम फ्लूइडाइज बेड का देखते हैं, फिक्स फ्लूइडाइज बेड होता है, कंटीन्यूअस फ्लूइडाइज बेड होते हैं, डिफरेंट तरीके के फ्लूइडाइजेशंस होती हैं। तो ये बेसिकली हम केमिकल इंजीनियर, ये दो मेन आपके पार्ट में डिवाइड होता है, यूनिट प्रोसेस और यूनिट ऑपरेशन। इसको अगर आप डीपली स्टडी करते हैं इन चीजों को, तो आप जो है वो काफी अच्छे जो है वो केमिकल इंजीनियर कहलाएंगे। तो ये सीआरई के अंदर आपके पास बेसिकली क्या होता है, मैंने जिस तरह बताया था कि रिएक्शन रेट निकालते हैं हम, कि कितनी कंसंट्रेशन, जिस तरह ये कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, टाइम के लिहाज से आपका अगर रिएक्टेंट है, अगर हम बात करते हैं N2 और H2 जब रिएक्ट करता है तो वो बना लेता है NH3, अमोनिया बना लेता है। ठीक है, इसको बैलेंस कर देते हैं, तो ये N2 plus H2 अगर रिएक्ट होता है तो क्या बना देता है, अमोनिया बना देता है। तो कितनी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की होगी, कितनी कंसंट्रेशन इन दोनों रिएक्टेंट की होगी, कि वो कितने टाइम बाद आपका प्रोडक्ट दे दे। ठीक है, ये बेसिकली होता है प्रोसेस, ये प्रोसेस हो रहा होता है, आपके पास एक रिएक्टर होता है, रिएक्टर के अंदर ये प्रोसेस आपका हो रहा होता है, रिएक्टर के बराबर में जैकेट्स लगी हुई होती है, दो चीजें होती है, तो जैकेट्स लगा दें आप या तो कॉइल लगा दें अपने रिएक्टर को हीट ट्रांसफर के लिए जो होता है, या कूलिंग या हीटिंग के लिए आप ये काम करते हैं, कूलिंग के लिए वाटर यूज करते हैं बेसिकली, और हीटिंग के लिए आप स्टीम का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैकेट्स लगी हुई होती है दो, ये भी जैकेट, ये भी जैकेट, और यहाँ से आप अपना जो है वो यहाँ से आप क्या करते हैं, अपने रिएक्टेंट को इन कराते हैं, जिस तरह आपने जो है वो N2 और H2 को क्या कराया, आपने N2 और H2 को रिएक्ट कराया। अब यहाँ पे इनिशियली अमोनिया की कंसंट्रेशन नहीं होगी, ठीक है, लेकिन टाइम से टाइम के जो है वो पास होने के बाद क्या होगा कि N2 और H2 की कंसंट्रेशन डाउन होती जाएगी और अमोनिया की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, आपका प्रोडक्ट जो है वो टाइम के लिहाज से बढ़ता जाएगा। तो इसके अंदर बेसिकली केमिकल रिएक्शन के अंदर दो चीजें हम देखते हैं कि अगर आपके पास जो रिएक्टेंट है वो दोनों रिएक्शन करेंगे या नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो वो कितने फास्ट रिएक्शन करेंगे, तो हम ये केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ रहे होते हैं। आई होप कि ये पूरा जो है वो जो समरी थी केमिकल इंजीनियरिंग की आपको समझ आई होगी। आने वाली कुछ वीडियोस में हम देखेंगे केमिकल इंजीनियरिंग के जो डिफरेंट प्रोसेस और यूनिट ऑपरेशंस पे जो है वो कुछ वीडियोस मैं बनाऊंगा, आप उसको जरूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको थंब अप करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि इससे मुझे जो है वो सपोर्ट मिले और आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच।